हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वीडियो गेम। नमस्ते माइनक्राफ्ट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का हमारा वीडियो शुरू होता है यहाँ से। हमें सामने दिख रही है एक मुर्गी जिसको हमें करना है हलाल। तो ये लो मुर्गी, तुम्हारा काम तमाम। तो मुर्गी को हमने मार के चिकन कर लिया है कलेक्ट, क्योंकि आगे हमें पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा ज़रूरत। अपने इस लाइफ लाइन को बचाने के लिए फूड की ज़रूरत तो पड़ेगी। मैं यहाँ से करने वाला हूँ जंप। ये देखो कितना खतरनाक जंप था ये, तो मैंने मारा फर्स्ट जंप भी ऐसा था कि एकदम सीधे पानी के अंदर। तो अभी जो है हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ, और पहले इस पिगी को निपटाते हैं। भाग कहाँ रहा भाई, बचेगा थोड़ी ना मुझसे। तू बचने वाला तो बिल्कुल नहीं है, और हम तुझे छोड़ने वाले हैं भी नहीं। तो चलो जल्दी जल्दी से, हम यहाँ पे कोल मिल चुका है तो उसको करते हैं कलेक्ट, और देखते हैं कि आगे और भी क्या यहाँ पे कुछ डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि ये माइनक्राफ्ट वर्ल्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एक्साइटिंग भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे माइनिंग करने का मज़ा आने वाला है। ये देखो कोल मेरा पानी के अंदर गिर गया। हम मेरा क्या है ना कि मैं छलांग लगा ही देता हूँ बार बार पे, क्योंकि मुझे मालूम है कि किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंट कितनी है। कोल वगैरह, कोल की तो खास करके, क्योंकि वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इस माइनक्राफ्ट में। अरे यार, ये तो बार बार इसका ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है। कोई लॉन्ग ड्यूरेशन वाला हो ना तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता देना। ये फावड़ा जो है ना खुदाई करने का, इसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए बार बार ये इसका टाइम आउट हो जाता है। तो माइनिंग जो है वो हो रही है कुछ तगड़ी और कुछ इंटरेस्टिंग। तो आप लोग ये वीडियो छोड़ के कहीं मत जाना, क्योंकि हम इस वीडियो में करेंगे बहुत ही खतरनाक कुछ। तो माइनिंग करेंगे, माइनिंग करके देखते हैं कि आज इस माइन में हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि हमें तलाश है कुछ इंटरेस्टिंग, जैसे डायमंड, गोल्ड, कॉपर और आयरन तो कॉमन है, मिल ही जाते हैं, लेकिन डायमंड और गोल्ड मिलना बहुत मुश्किल है। कितनी भी ज़्यादा माइनिंग कर लो ना, उस माइनिंग को कितनी भी डीप लेके चले जाओ, बहुत मुश्किल होता है भाई। पहले टॉर्च कलेक्ट करते हैं पहले ना, क्योंकि अंधेरा होने लगेगा अभी। जैसे ही माइन को थोड़ा सा भी अंदर लेके जाएंगे हम, तुरंत अंधेरा होने लगेगा। तो जल्दी से हम टॉर्च जलाते हैं पहले। ठीक है, टॉर्च हमारी जल चुकी है। तो अब इस माइनिंग को और आगे बढ़ाते हैं। अब आएगी माइनिंग में थोड़ी मज़ा भी आएगा, क्योंकि अंधेरा होता है ना तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है। वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैं कोल को ना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सबसे पहले कोल इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से करते हैं डीप और चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं कि यहाँ पे अंदर कुछ क्या खास। ये देखो, खास खास की बात की नहीं तो खास यहाँ मिल गया। अरे यार, इससे ये टूटेगा भी नहीं। नहीं नहीं, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होने वाला भाई। ये हमें इसके लिए चाहिए होगा दूसरा फावड़ा, एक होता है ना वो स्टोन का, वो चाहिए होगा। ये जो स्टोन टूट रहा है ना, इनसे बनेगा वो। तो जल्दी से टॉर्च जला के फिर करते हैं यहाँ पे क्राफ्टिंग। ये क्या भाई, मैं जितने भी ब्लॉक तोड़ते जा रहा हूँ मुझे अंदर और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ मेरे पीछे सिर्फ एक कॉपर का, और भी कितने ब्लॉक्स हैं वो भी मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये तो है कि यहाँ पे माइनिंग में कुछ मिलेगा ज़रूर, लेकिन जितना भी अंदर चला जाता जा रहा हूँ मैं, इतना समझ में नहीं आ रहा यार, कुछ खास नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे फिर एक कॉपर का ब्लॉक देखा मुझे ऊपर की तरफ। वो देखो सामने सामने कॉपर का ब्लॉक और दिख रहा है। लेकिन पहले जो है मुझे कुछ सोचना पड़ेगा इस कॉपर के लिए। इसके लिए हमें करना होगा कुछ क्राफ्टिंग। कौन सा, ये वाला, ये इस वाले फावड़े को लेकर चलेंगे, क्योंकि ये वाला फावड़ा ही आगे और ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि इसके अलावा और दूसरे तो खैर ऐसे ही हैं, तो नॉर्मली पेड़ वगैरह या फिर नॉर्मली माइनिंग करने के लिए। लेकिन स्टोन वाला जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लेके ही आगे माइनिंग कर सकते हैं। करने के लिए उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है ना कि कॉपर, आयरन, इन सबों को क्रश नहीं कर पाएगा वो थोड़ा हल्का है। ये देखो, इससे हो जाएगा। एक, दो, तीन, चार ब्लॉक्स हैं यहाँ पे कॉपर के। तो कॉपर हमने कर लिया है कलेक्ट। यहाँ ऊपर भी दिख रहा था, हाँ ये रहा, एक सेकेंड कहाँ गया, ये रहा ऊपर की तरफ। इसको भी करते हैं कलेक्ट, कॉपर को, फिर उसके बाद। अरे ऊपर भी है। अरे भाई, ये तो पूरी खादान लग रही है मुझे कॉपर की। ओए होए, लॉटरी लग गई मेरी, तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। कॉपर ही कॉपर है यहाँ पे। चलो, बहुत ढेर सारे कॉपर मिल चुके हैं अभी।
तो आगे देखते हैं, आयरन मिलता है, कोल मिलता है, गोल्ड मिलता है या डायमंड, जो भी मिलेगा मेरी किस्मत, नहीं मिला तो मेरी बदकिस्मती। तो अभी पहले इसको कलेक्ट करके फिर उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ और देखेंगे कि इस माइनिंग में और क्या क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ से खुदाई करते हैं शुरू। ये देखो फिर से मिल गया कॉपर, फिर से मिल चुका है कॉपर। जल्दी जल्दी से इसको करते हैं कलेक्ट और दिखाते हैं आपको इस माइनिंग के अंदर और क्या होने वाला है इंटरेस्टिंग। तो भाइयों मेरे चैनल को आप लोग अगर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट जरूर करना ये बताने के लिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताएं ज़रूर कि हाँ। अरे भाई ये तो पानी भर गया, अरे अरे भाई बाढ़ आ गई, भागो यहाँ से, बाढ़ आ गई भागो, जल्दी भागो यहाँ से। ठीक से इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्लॉक को लगा के ना मुझे इस रास्ते को ही बंद करना पड़ेगा पूरा। ये रहा वो ब्लॉक जिसको मैं लगा के इसको करूँगा बंद। बंद करने के बाद उसके बाद जो है कुछ कर सकेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पानी बंद होने वाला है। ठीक है, पानी तो किसी तरीके से यहाँ से मैंने रोका हुआ है, लेकिन ये पानी बंद नहीं होगा क्योंकि अब माइनिंग कहीं से भी करूँगा ना तो पानी अंदर आएंगे ही आएंगे। तो अब देखो वो देखो पूरा पीछे का ना, पीछे पूरी बांध टूट गई है, पानी का पूरा समंदर का सारा पानी इस माइन के अंदर आ रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर है इस चीज़ का कि यहाँ पे कभी भी किसी वक्त भी पानी भर सकता है। तो मैं यहाँ से किसी भी तरीके से निकलने की कोशिश करूँगा माइनिंग के ही थ्रू। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, एक कॉमेंट ज़रूर करना। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।